हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि अगर झूठी पॉस्को की एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई है, 376 की एफआईआर हो गई, 363/66 की एफआईआर हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी और अपने घर वालों की इज्जत कैसे बचाएंगे। देखिए, जैसे ही पॉस्को में एफआईआर होती है तो पुलिस का तांडव बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाता है। पुलिस इतना प्रताड़ित करती है, कुछ कहने को नहीं, जैसे लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया और एक्चुअल में आपने कुछ किया नहीं हुआ होता है। ठीक है, अब पॉस्को लगता इसीलिए है क्योंकि अगर आप लड़की को लेके गए हैं, लड़की 18 साल से कम उम्र की है, आपने इस आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं या शादी कर ली है, लड़की की उम्र 18 साल से कम है, उसके माता पिता पॉस्को की एफआईआर लिखा देंगे क्योंकि कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। शुरू से ही कंसेंट माइनर की जो होती है वैलिड नहीं होती है, इसलिए आप उसको ना भगा के ले जा सकते हैं, ना उसके साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके मर्जी होने के बावजूद भी। वीडियो में डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आपने किसी लड़की से लव अफेयर रखा हुआ है तो उसकी एज को जरूर कंफर्म कर लीजिए। सबसे प्रिकॉशनरी मेजर, जो सब पहला प्रिकॉशनरी मेजर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लड़की है, अगर आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं या उसके साथ रहना है, उसकी मर्जी के साथ रहना है, तो लड़की 18 साल के ऊपर की होनी चाहिए। यानी कि शादी भी करनी है तो 18+ होनी चाहिए। अब तो गवर्नमेंट का लेटेस्ट रेगुलेशन आ रहा है कि आ चुका है कि 21 साल की लड़की होनी चाहिए, लड़का भी होना चाहिए शादी करने के लिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ही जान लीजिए कि 18 साल से ऊपर लड़की के साथ ही आप शारीरिक संबंध बनाएं, और दूसरी चीज़, 18 साल के ऊपर की लड़की से शादी करें। अगर भगा के भी लेके जा रहे हो तो 18 साल की लड़की होनी चाहिए मिनिमम, अदरवाइज 363/66 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पॉस्को में दर्ज हो जाएगा। इस कंडीशन में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और पूरा परिवार पुलिस के द्वारा हैरेस किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। 2 मिनट की मौज के चक्कर में आप पूरी लाइफ अपने घर वालों की और अपनी स्पॉइल करके सब कुछ रख दोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन ध्यान रखना कि अगर आपको शादी करनी है तो लड़की की पहले एज कंफर्म कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल, प्यार करने से पहले मार्कशीट मांग लो उसकी 10th क्लास की। अगर 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है उसके पास तो भूल जाओ, उसको एकदम किनारे कर लो, कह दो देवी जी तुम मुझे क्षमा करो, तुम मेरे लिए खतरा हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाएगी। ठीक है, अगर 18+ नहीं है तो ठीक है, मार्कशीट नहीं है तब भी ठीक है, पहली चीज़ जान लीजिए। और लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, मार्कशीट नहीं उस कंडीशन में, तो उसका मेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब तक मेडिकल होगा तब तक तो तुम्हारी लंका लग चुकी होगी, तुम मार वार खा चुके होगे, जेल जा चुके होगे। ठीक है, जब रेडियोलॉजिकल एज निकल के आएगी कि 18+ है और तुम्हारे फेवर में वो स्टेटमेंट दे रही तो छूटोगे, और मान लो उसने अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आके स्टेटमेंट बदल दिया, तब तो तुम बर्बाद हो गए, जिंदगी तुम्हारी चौपट हो गई। ठीक है, अब ठीक, तो 18 साल के ऊपर की लड़की शादी करनी है, ये क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़, आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आप ऐसी इंस्टीट्यूशन में अगर शादी करनी है लड़की के साथ आपको, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह पर शादी करो जो सर्टिफिकेट इशू करती हो, ऐसी अथॉरिटीज़ में शादी करो जो सर्टिफिकेट इशू करती हो। ठीक है, जैसे अगर मुस्लिम हो आप तो आप ऐसे काजी से शादी करवाओ जो कि रजिस्टर्ड काजी हो, जो आपको सर्टिफिकेट दे कि हाँ इनका निकाहनामा हुआ है, दोनों लोग बालिग हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर आप हिंदू हो तो आर्य समाज वगैरह सोसाइटीज़ चलती हैं, बहुत सारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज के माध्यम से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको उसमें सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये संस्थाएं जो होंगी आपसे एज प्रूफ मांगेंगी। ठीक है, तो मान लो आपके पास आधार कार्ड है और आपका मार्कशीट है, लेकिन लड़की के पास ना आधार कार्ड है ना मार्कशीट है, तो क्या कंडीशन होगी उसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ये कंडीशन आपने फुलफिल कर ली कि आपने शादी कर ली, रजिस्टर्ड करा ली, सर्टिफिकेट आपको मिल गया मैरिज का, उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले हाई कोर्ट आना है, हाई कोर्ट आके प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना है। प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आपको एक बार मिल गया तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहिएगा। अब उस प्रोटेक्शन ऑर्डर की कॉपी SHO को भेज देनी है, SSP को भेज देनी है, तो आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे। अब उसके बाद आपको हाईकोर्ट आके FIR जो आपके अगेंस्ट 363/66 पॉस्को में हुई है ना, जो झूठी तरीके से आपने शादी कर ली, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत आना है FIR क्वेश्चनिंग में, हाईकोर्ट मूव करना है और हाईकोर्ट को ये प्रेयर करनी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हमने आपसी सहमति से संबंध बनाए, आपसी सहमति से शादी करी, हमारी मैरिज सर्टिफिकेट ये रही, हमारी एक प्रूफ ये रही, तो जो मेरे अगेंस्ट FIR हुई वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इतना प्रोसीजर है, और बिना अप्रोप्रिएट लॉयर की आपका काम नहीं चलेगा। हम वकीलों को तो लोग गालियां देते हैं लेकिन हम आपकी जान भी बचाते हैं। फिर डॉक्टर को लोग गालियां देते हैं कि अस्पताल वाले पैसा बहुत लेते हैं,
लेकिन वो आपकी जान भी बचाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी आपकी पूरी जिंदगी नरक होने से बचाते हैं। तो अप्रोप्रिएट लॉयर हायर करके आप FIR को रद्द करा सकते हैं, कंप्लीटली खत्म करा सकते हैं और अपनी जिंदगी पुलिस की प्रताड़ना से और जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, जो आपके दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है, उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन सीख हो जाएगी। अब पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी कि पढ़ी लिखी लड़की कंडीशन में, अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब लड़की अनपढ़ है, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उसके पास एज प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट है, ना उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इवन आधार कार्ड तक उसने अभी तक नहीं बनवाया, लेकिन प्यार हो गया, भाग गई आपके साथ, आप कह रहे हो 18 साल की, उनके माँ बाप जानबूझ के फंसाने के लिए SHO से मिल गए और कह दिया कि 18 साल से कम की हैं, नकली मार्कशीट बनवा के लेके चले आए। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? उस कंडीशन में अगर आपने लड़की से शादी कर ली, मंदिर वंदिर में जाके शादी हो गई आपकी, ठीक है, अब लड़की को डराए, देखिए डरने का नहीं, थाने जाना है, लड़की को पुलिस वालों को बताना है कि मैं 18 साल के ऊपर की हूँ और मैंने शादी कर ली है। तो लड़की क्या होगा, उसका 161 का स्टेटमेंट होगा, 24 घंटे के अंदर 164 का स्टेटमेंट कराने की आवश्यकता होती है, रूलिंग है, CRPC की प्रोविजन है, लेकिन पुलिस वाले नहीं कराते हैं। आपको वहां पर फोर्स करना है कि हमारा 24 घंटे के अंदर 164 का स्टेटमेंट कराइए। हालांकि पढ़ी लिखी नहीं तो क्या फोर्स करेंगे, ये भी एकदम क्लियर बात है, प्रैक्टिकलिटी एकदम अलग है, लेकिन यहां पर एडवोकेट की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो 164 का स्टेटमेंट कराइए, अगर लड़की ने 161 तो चलो कुछ भी बोल दिया, लेकिन 164 में आपके समर्थन में दे दिया कि मैंने आपसी सहमति से संबंध बनाए, आपसी सहमति से शादी करी, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप बच गए। लेकिन अगर कहीं लड़की और जो है, अगर मान लो 18 साल से कम की है या 18 का डाउट हो रहा है उसका, या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल में गलती से भी उसकी रेडियोलॉजिकल एज 18 से नीचे आ गई, तब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि बालिक की कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, कंसेंट ऑफ होम नाबालिग की कंसेंट का मतलब नहीं है, नल एंड वॉइड है उसकी कंसेंट। आपके खिलाफ फिर पुलिस कार्रवाई इनिशिएट करेगी, आपको जेल भेजेगी, चार्जशीट बनाएगी और सजा होएगी, आपको कन्फर्म सजा होगी। इसलिए कभी भी प्यार करना है तो मार्कशीट देख के प्यार करना है और पढ़ी लिखी लड़की से ही प्यार करना, अदरवाइज ज़िंदगी नरक हो जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं कुछ बल देगी, कुछ ना कुछ सपोर्ट देगी कि आप भाग के शादी नहीं करोगे, ठीक है, वरना पुलिस के पछड़े में पड़ोगे, बहुत मारे जाओगे, फिर कहोगे वकील पैसा ले लेते हैं, पैसा दोगे तो लेंगे, जाहिर सी बात है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, अगर समझ में आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दूसरी चीज़, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।